नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, तुम प्यार छोड़ो दोस्ती ही सही। तुम्हें प्यार छोड़ो दोस्ती ही सही, क्योंकि प्यार धोखा दे सकता है मगर यार नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय प्रदीप सर पे। जो हमने NTA की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, उसी के रिगार्डिंग ये टॉपिक है रहेगा प्यारे बच्चों। और कैसी ये सीरीज लग रही है और कितनी इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों। क्वेश्चन आया हुआ था, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जीके बाय प्रदीप सर का क्लास होते ही तुरंत PDF डल जाएगी। क्वेश्चन आया, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? प्यारे बच्चों, इसका ना क्वेश्चन की सेंस की बात है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 711 ईस्वी में आक्रमण किया, लेकिन ना जो इम्पोर्टेंट आक्रमण है वो 712 ईस्वी में किया। और 712 से कौन सा भारत शुरू हो गया था? मध्यकालीन भारत शुरू हो गया था। तो ज्यादातर है ना इतिहासकार और SSC यही मानती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण कब किया 712 में, लेकिन रियल में आक्रमण कब था? 711 ईस्वी में आक्रमण था। और ऑप्शन में 711 नहीं आता तो हमें 712 के ऊपर ही जाना पड़ता है। और प्यारे बच्चों, इसने ना मेन आक्रमण इसका किस पर था? सिंध के राजा दाहिर पर क्या किया था इसने आक्रमण किया? और इस युद्ध में दाहिर वीरता से लड़ा, लेकिन कहते हैं इसने ना दाहिर हाथी से लड़ रहा था, हाथी के पैर पर वार किया तो वो हाथी से नीचे गिर गया तो उसको मार दिया। और इतिहास का पहला जौहर अगर पूछे किसने किया, तो सिंध के राजा दाहिर की पत्नी ने क्या किया था? जौहर किया था। क्योंकि ये है ना, मोहम्मद बिन कासिम एक कम उम्र का लड़का था, 17-18 साल का लड़का था, ये भारत पर आक्रमण करने के इरादे से आता है। और राजा जय सिंह है ना, मतलब ये जो सिंध का राजा दाहिर था, वो अपने बेटे जय सिंह को साइड में बुला लेता है, और यही इनकी हार का क्या बना था? कारण बना था। तो मध्यकालीन भारत पर 712 में वैसे आक्रमण किया था 711 में। और मोहम्मद बिन कासिम है ना प्यारे बच्चों, ये कहते हैं सिंध के राजा दाहिर की दो बेटियों को अपने साथ ले गया, और उस खलीफा को क्या कर दी इन्होंने? भेंट कर दी। उसने सोचा खलीफा क्या होगा, खुश होगा, वही बात, गब्बर खुश होगा और इनाम देगा। लेकिन उन दोनों लड़कियों ने ना ऐसी चाल चली कि इसको लेने के देने पड़ गए। उन दोनों लड़कियों ने कहा कि राजा जी, आपको जो चीज सौंपी गई है ना, उनका पहले प्रयोग हो चुका है। तो उन्होंने सोच सिंध के राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम को ना एक बेल की खाल उधेड़ कर लाओ, और रस्ते में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। तो एंशिएंट इंडिया है ना भाई प्रदीप सर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मोहम्मद बिन कासिम और मध्यकालीन भारत, आप इतना डिटेल में करवाया हुआ है कि कोई सीमा नहीं, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर 712 इज द राइट आंसर, वैसे 711 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन मामलुक के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? कितनी बार बच्चों को मैं ये क्वेश्चन कहता था, यही आएगा। बच्चे है ना गुलाम वंश के पीछे पड़े हुए थे, गुलाम वंश। प्यारे बच्चों, वो शह दिखाकर आपको मात देने की कोशिश करेगा, तो आपको पता होना चाहिए गुलाम वंश ही मामलूक वंश है। गंगाधर शक्तिमान कोई दे दे, लेकिन चीजें गलत नहीं होनी चाहिए। गुलाम वंश ही मामलूक वंश है। इसे ही ना स्लेव डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था प्यारे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना गुरुजी कब की थी? 1206 में की थी, और ये वंश 1290 तक है रहा था। राजा पूछे 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, घोड़े से चौगान खेलते हुए मृत्यु हो गई। फिर राजा बना आराम सा, मात्र 8 महीने, किताबों में वर्णन नहीं मिलेगा। 1211 से 1236 तक है ना इल्तुतमिश, जिसे अल्तमस के नाम से जाना जाता था, कुतुब मीनार का है ना निर्माण इसी ने पूरा करवाया था। 1235 में उज्जैन के महाकाल मंदिर को लूटा, 1236 में मृत्यु हो गई। तो इसके बाद 1236 से 1236 तक इसका बेटा रुकनुद्दीन फिरोज राजा बना, लेकिन 1236 से 40 तक जो रानी रही थी वो रजिया सुल्तान रही थी, जिनका मकबरा कैथल में है। और 1240 से 42 तक जो राजा रहा था वो बहराम शाह रहा था। कौन रहा था? बहराम शाह। और 1242 से 46 तक रहा था अलाउद्दीन मसूद साहब था। और 1246 से लेकर 1246 से लेकर 1260
66 तक है ना, नसीरुद्दीन महमूद, और ये पागल हो गया था, टोपियां बेचा करता था, 1266 से 1287 तक बलबन रहा था, चालीसा का अंत करता, ऐसी दो प्रथा चलाई थी, नवरोज और सिजदा पावोस, और नवरोज त्योहार ईरानियों का होता था, 1287 से 290 तक दो रहे थे, एक तो रहा था केमूर्स रहा था, केमूर्स रहा था, और एक केकुवाद रहा था, क्या रहा था, केकु वाद रहा था, ये 1290 तक का क्या था आपका वंश था। प्यारे बच्चों ये चीजें है ना आपको याद रखनी है, क्या करनी है, याद रखोगे ना चीजें तो ये कोई भी चीजें हैं मुश्किलें नहीं होती है। और वैसे अगर चीजों को ना भूलना शुरू कर दोगे तो चीजें, अभी तो आपको लगता है कि सारी चीजें याद है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना हम चीजों को फॉरगेट करना या भूलना क्या कर देते हैं, शुरू करते हैं, और जिस चीज को प्यारे बच्चों एक बार स्टार्ट कर दिया ना उसको मतलब आपको इतना अच्छे से पढ़ना है कि कोई हद ना हो। कहते थे गालिब, हर चीज हद में अच्छी लगती है लेकिन कुछ चीजें बेहद अच्छी लगती है, जैसे कि आप सब, ठीक है। वह बंदरगाह जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो प्यारे बच्चों वो बंदरगाह कोई और नहीं है, वो है कांडला बंदरगाह रहेगा, कांडला बंदरगाह। गुरुजी कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, भारत के गुजरात में है। गुरुजी गुजरात के किस राज्य में रहेगा, तो ये कच्छ में रहेगा, कहाँ पर रहेगा, कच्छ का रण सुना होगा, कच्छ में रहेगा। और प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका नाम है ना दीनदयाल बंदरगाह के नाम से अब इसको जाना जाता है। 1965 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी माना जाता है, तो इसका नाम बदल कर पंडित दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। बीजेपी के राजकाज में ना नाम बड़े चेंज होते हैं, फिरोज शाह कोटला खेल स्टेडियम का नाम बदल कर अरुण जेटली खेल स्टेडियम कर दिया गया, बहुत सी चीजों के नाम चेंज हुए हैं। जो अंबाला बस स्टैंड था ना उसका नाम बदल कर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है, तो ये चीजें हैं ये इतिहास में चलती रहेगी। हाल ही में शुरू की गई पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कृषकों को विश्वसनीय खालिस्तान तक पहुंचाना था, तो प्यारे बच्चों उनको विश्वसनीय है ना सौर ऊर्जा, सौर पंप या सौर ऊर्जा पंप उनको क्या है दिलवाने की क्या थी ये योजना थी, पीएम कुसुम योजना। इसमें ना क्या थी, सरकार ने सब्सिडी दी है हरियाणा की। अगर मैं सोलर सिटी की बात करूँ ना तो हरियाणा की सोलर सिटी कौन सी हो जाएगी, गुरुग्राम हो जाएगी, सिटी ऑफ मिलीनियर, कोल सेटर कैपिटल, सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग होते हैं वो गुरुग्राम में रहते हैं, और मॉल सिटी डीएलएफ के कारण इसका मतलब बहुत बड़ी सिटी बनाया था डीएलएफ ने, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस ने इसको, तो सोलर से ये गुरुग्राम में है। लेकिन ना अब सौर ऊर्जा पंप पर पीएम कुसुम योजना के तहत 90% सरकार देगी, 10% है ना केवल किसको वहन करना होगा, किसानों को वहन करना होगा। तो हाल ही में शुरू की गई पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य कृषकों को विश्वसनीय सौर ऊर्जा पंप तक पहुंच करवाना था। ये आगामी एग्जाम में भी प्यारे बच्चों ये सौर ऊर्जा वाला कंसेप्ट आपसे बहुतायत में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2020 को किसके रूप में घोषित किया था, तो ये प्यारे बच्चों पादप है ना वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगामी एग्जाम में, पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष किसके रूप में घोषित किया था, पादप स्वास्थ्य का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसको क्या किया गया था घोषित, और 2021 को सतत विकास का जो अर्ध मतलब अर्थशास्त्र के रूप में इसको घोषित किया गया, रचना सतत विकास के लिए रचनात्मक, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था वर्ष, अर्थव्यवस्था वर्ष घोषित किया गया, सतत विकास सस्टेंट डेवलपमेंट ये रचनात्मक क्रिएटिव इकोनॉमिक्स इसको घोषित किया गया था 2021 को। ये भी आ सकता है यूनो की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को ही, भारत 30 अक्टूबर को आप सदस्य के रूप में पढ़ते हो। आगे आते हैं, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली थी, तो वेदों की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी, सरस्वती। वेदों की सबसे प्रमुख रिवर पूछी जाए तो सिंधु। वेदों में गंगा का कितनी बार वर्णन मिला, एक बार वर्णन मिला। यमुना का कितनी बार वर्णन मिला, यमुना का
तीन बार वर्णन मिला। सबसे पवित्र मानी जाती थी सरस्वती और सबसे प्रमुख मानी जाती थी सिंधु। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जामों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हरियाणा में दो रेंज है, एक शिवालिक रेंज रहेगी जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी, उत्तर पूर्व में रहेगी, उत्तर पूर्व में रहेगी। अरावली रेंज पूछे ना, ये हरियाणा के कहाँ पर रहेगी? दक्षिण पश्चिम में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? दक्षिण पश्चिम में ये रेंज रहेगी। उत्तर पूर्व में क्या होती है? ज़्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम में क्या होती है? कम वर्षा होती है। क्या होती है? कम वर्षा होती है। तो ये प्यारे बच्चों, इसमें शिवालिक रेंज से निकलने वाली प्रमुख नदी लंबी जो मानी जाती है वो घग्गर रहेगी। ये कालका पंचकुला से एंट्री करती है और सिरसा होती हुई, सिरसा में ओटू बैराज भी है और आगे राजस्थान जाकर ये लुप्त होने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस झील को उल्लेख अल बेरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में था। सबसे पहले पता होना चाहिए अल बेरूनी है ना, ये किसके साथ भारत आते हैं? ये महमूद गजनवी के साथ भारत आते हैं। और कहते हैं प्यारे बच्चों, अल बेरूनी है ना, इसने एक रचना लिखी थी, किताब उल हिंद ना आए तो ताकीद ए हिंद आएगा। और इसमें ना हरियाणा के इसने ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। किस सरोवर का? ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया था। और हरियाणा का एकमात्र ऐसा सरोवर है जो चारों ओर से किसका बना हुआ है? पक्की इंटों का बना। हरियाणा का एकमात्र सरोवर कौन सा रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। और ये कुरुक्षेत्र के जितने भी तीर्थ स्थल आपसे पूछे प्यारे बच्चों किस नदी के किनारे है, तो वो सरस्वती नदी के किनारे रहेंगे। वैदिक सभ्यता का पालना हरियाणा को कहा गया। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? जैसे आपने सुल्तानपुर के बारे में सुना होगा, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि रहेगी भिंडावास है आर्द्र भूमि, जैसे रामसर सम्मेलन के दौरान इनको वेटलैंड क्या किया गया था घोषित। भिंडावास कहाँ पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। जो भिंडावास झील है ना, वो मीठे पानी की झील मानी जाती है। और ये भी आ सकता है कि हरियाणा की प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो भिंडावास झील प्राकृतिक दृष्टि से सबसे सुंदर रहेगी। सुल्तानपुर में इको पार्क है, पक्का आएगा। सुल्तानपुर में कौन सा पार्क रहेगा? इको पार्क है। निम्न में कौन सा सरोवर राज्य के फरूखनगर तहसील में स्थित है? तो राज्य के फरूखनगर तहसील में सुल्तानपुर पार्क रहेगा। कौन सा सरोवर रहेगा? सुल्तानपुर सरोवर रहेगा। और इसको देखने के लिए दर्शक या दूर दूर से क्या आते हैं? पर्यटक आते हैं। तो ये कौन सा रहेगा? सुल्तानपुर सरोवर रहेगा। आगे आता है, यह झील हरियाणा के थानेसर में स्थित है। थानेसर का मतलब कुरुक्षेत्र में स्थित है। किताब उल हिंद में इसका वर्णन है, तो वही अल बेरूनी की किताब उल हिंद थी। तो कौन सा सरोवर रहेगा? ब्रह्म सरोवर रहेगा। और प्यारे बच्चों कहते हैं ब्रह्म सरोवर में ना सफाई के लिए ना एक कछुए की क्या बनाई गई थी? बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी। कछुए की बहुत बड़ी क्या बनाई गई थी? मूर्ति बनाई गई थी प्लास्टिक बैग से, ताकि लोगों को ना किसके प्रति जागरूक किया जा सके, लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा सके, सफाई के प्रति। ये प्यारे बच्चों बैच है, अब आप है ना इसको एनरोल कर सकते हो। एक हफ्ता इस बैच को चलते हो गया है, ठीक है। 22 टीचर है। कुछ कहेंगे जून में एग्जाम होगा तो सिलेबस होगा क्या? साथ में लाइव है, साथ में रिकॉर्डेड है। अभी आप 999 रुपये में ये बैच अच्छा लगे तो ले लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। 7497-4004 कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे। आगे आता है, 11वीं सदी के अलबेरूनी की इतिहास किताब उल हिंद में हरियाणा के प्रसिद्ध झील, चाहे प्यारे बच्चों इसको झील बोल दो चाहे इसको बोल दो सरोवर, ये क्या रहेगा? आपका ब्रह्म सरोवर रहेगा। अल बेरूनी एक है ना, इनके साथ इतिहासकार थे, फिरदौसी थे, एक उत्बी थे और एक कौन होते थे? फारूकी होते थे। ये सारे के सारे है ना महमूद गजनवी के साथ कहाँ आने का काम करते हैं? भारत आने का काम करते हैं। आगे आता, निम्नलिखित में कौन सी झील हरियाणा में 1947 में दो छोटे छोटे टीलों को जोड़ने से बनी थी? 1947 आई आंख बंद कर लेना, बड़खल झील रहेगी। गुरुजी बड़खल झील काम पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगी। काम पर रहेगी? फरीदाबाद में रहेगी। 1947 को इसको सिंचाई कार्य के लिए प्रयोग किया गया। करण झील करनाल में 1972 में बनी थी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की अगर सबसे बड़ी झील की बात करूँ ना, सबसे सुंदर तो थी भिंडावास,
और सबसे बड़ी झील प्राकृतिक दृष्टि से कौन सी रहेगी? दमदमा झील कहते हैं। लगभग 3,000 एकड़ में ये झील फैली हुई है, तो दमदमा झील इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, 1972 में बसाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल कौन सा है? 1972 में मैंने बताया था करण झील को बसाया गया था। कौन सी झील बनी थी? करण झील कब बनी थी? 1972 में बनी थी। इसे प्यारे बच्चों चक्रवर्ती झील के नाम से भी इसको जाना गया था, ठीक है। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आपने हरियाणा के राज्यपाल थे, उनके नाम से जोड़ा गया था। आगे आता है सूर्य देव की ना प्रतिमाएं हरियाणा के निम्नलिखित में कौन से स्थलों से खोजी गई है? भगवान सूर्य देव की मूर्ति प्यारे बच्चों वैसे अगरुआ से भी मिली थी, और ये स्थान पूछे तो साम हो गया, आसी हो गया और बेरी। हांसी तो साम बेरी प्रमुख रूप से कौन सा रहेगा? आसी तो साम, तो साम भिवानी में, आसी इंसार में और बेरी झज्जर में और अगरुआ इंसार में। यहाँ से भगवान सूर्य देव की क्या मिली थी? प्रतिमा मिली थी। ये क्वेश्चन आएगा आसी में ना, ये डायरेक्ट ये पूछेगा कौन सा किला रहेगा? आसीरगढ़ का किला रहेगा, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज ने इसका निर्माण करवाया। इसका दूसरा नाम तरवारों का किला रहेगा। और तोसाम की बराबरी पेपर में रट लेना, तोसाम में ना अति प्राचीन विष्णु मंदिर मिला है। अति प्राचीन कौन सा मंदिर मिला है? तोसाम में अति प्राचीन विष्णु मंदिर। यह क्वेश्चन आ गया, विष्णु मंदिर ना आए तो अति प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ से मिला है? तो भी ये तोसाम भिवानी से मिला है। और तोसाम की बराबरी को पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहा जाता था। बेरी है ना सबसे ऐसा गांव हरियाणा का जिसमें सबसे ज्यादा मंदिर है। भगवत दयाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र झज्जर था, लेकिन गांव बेरी गांव झज्जर था। पशुओं का यहाँ पर मेला लगता है, ठीक है। और बेरी गांव में क्या आएगा? एक क्वेश्चन दिमाग से निकल रहा है, हाँ, माता भीमेश्वरी देवी का मेला भी बेरी गांव झज्जर में लगता है। और बनियों का गांव या धनाढ्य व्यक्तियों का गांव रहेगा। शेष सेया पर, ये प्यारे बच्चों किसी ये पेपर में पक्का आएगा, सेया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है फिजिलपुर से। फिजिलपुर गुरु जी कहाँ पर रहेगा? सोनीपत में रहेगा भाई, कहाँ पर रहेगा? सेया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति कहाँ से मिली है? फिजिलपुर सोनीपत से मिली है, जिसमें भगवान विष्णु किस पर लेटे हुए थे? शेष नाग पर बैठे हुए थे। याद करना मुश्किल नहीं है, भगवान विष्णु शेष नाग पर लेट सकते हैं, लेकिन आप लेटोगे तो ये फिजूल है, क्योंकि शेष नाग आपकी सर्विस भी कर सकता है। तो आप लेटोगे तो क्या है? फिजूल। फिजिलपुर सोनीपत, हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं सोनीपत, और इंडो ग्रीक सिक्के खोखरा कोट रोहतक से मिले। सिक्के डालने के सांचे खोखरा कोट रोहतक, युद्धकालीन सांचे खोखरा कोट है रोहतक से मिले। समुद्रकालीन सिक्के मिथातल भिवानी से, कुषाणकालीन सिक्के भी मिथातल भिवानी से मिले थे। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर? कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बिड़ला मंदिर है, बिड़ला मंदिर है। इसको बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कुरुक्षेत्र में रहेगा। इसकी ना मतलब दीवारों पर भगवत गीता के क्या लिखे हैं? सभी दीवारों पर श्लोक लिखे हुए हैं। दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता निम्न में से किस मंदिर में है? भगवत गीता को ना अमेरिका ले जाने का काम किया था 1800, आप पढ़ोगे, 93 में स्वामी विवेकानंद जी है ना शिकागो ले गए थे सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। वहां पर जब उन्होंने स्पीच की शुरुआत की, मेरे अमेरिका के बहनों और भाइयों, लगातार क्या बजी थी? तालियां बजी थी। तो ये इस्कॉन मंदिर है, इस्कॉन श्री अर्जुन और कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में रखी गई है। इस्कॉन, ये बताना मंदिर कहाँ पर है? इस्कॉन श्री कृष्ण या श्री राधा कृष्ण अर्जुन मंदिर, श्री, क्योंकि राधा के बिना श्याम अधूरा है। कृष्ण अर्जुन मंदिर के अंदर है ना ये सबसे बड़ी क्या रखी हुई है? भगवत गीता रखी हुई। मंदिर कहाँ है कमेंट करना। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर मौर्य काल के अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के प्रमाण मिले थे? ये मिले थे प्यारे बच्चों शुद्ध जगह से मिले थे। कहाँ से मिले थे? और शुद्ध जगह कहाँ पर रहेगी आपकी? यमुना नगर में रहेगी। यहाँ से ना संगीत के भी सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, बैलगाड़ी मिली थी, और लगभग है ना ये दूसरी शताब्दी के आसपास की चीज थी। तो ये संगीत के प्राचीनतम साक्ष्य भी शुद्ध यमुना नगर से। महाकाव्य महाभारत में सरिस्का की पहचान, सरिस्का सेरिस्कम, सरिस्का की पहचान है ना सिरसा के रूप में की गई, और सिरसा को ना सरस्वती नगरी के नाम से भी सिरसा को जाना जाता है। सरदार सबसे ज्यादा सिरसा में, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में, कपास सबसे ज्यादा सिरसा में, खट्टे फल व सब्जियां सबसे ज्यादा सिरसा में, मंजियाना कहाँ पर रहेगा? सिरसा में। गरोंडा है ना वो करनाल में
रहेगा, इतना याद कर लेना। डेरा सच्चा सौदा सिरसा में मेला जींद में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का पहले के नाम से जाना जाता था, हरियाणा को पहले बर्मा वर्त के नाम से जाना जाता था, बर्मा वर्त ना आए तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के नाम से भी हरियाणा को जाना गया, ब्रह्म ऋषि प्रदेश ना आए तो बर्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। जब मैंने 10.5 घंटे की क्लास ली थी ना, इसी क्वेश्चन से शुरुआत की थी, और आज हाल फिलहाल में भी ना ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं ना परमात्मा की दया से, वो उस टाइम माँ सरस्वती की दया से क्लास ली गई थी, कईयों को लगता है वो अपडेटेड नहीं है। आज भी देख लो, अगर 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के आएंगे ना, 18-19 क्वेश्चन उसी वीडियो में से आ रहे हैं। ये मेरा नहीं है, आप सबका और माँ सरस्वती की दया थी, आपका प्यार था। खालिस्तान ने हरियाणा शब्द आर्यना से उपदे ये कहा था, तो प्यारे बच्चों डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा था, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा था आर्यना से हरियाणा की उत्पत्ति हुई है। आर्यना का अर्थ होता है आर्यों का घर, किसका घर, आर्यों का घर। डॉक्टर एच आर गुप्ता ने यह बात कही थी। प्रहर इतिहासकारों द्वारा दिए गए हरियाणा के नाम भाई प्रदीप सर कर देना, उसमें सारी डिटेल आपको बताई हुई है। आगे खाने के संबंध में हरियाणा क्या कहलाता है, तो खाने के संबंध में हरियाणा को प्यारे बच्चों गेहूं की टोकरी कहा जाता है। किसकी टोकरी कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। खाने के संबंध में हरियाणा को किसकी टोकरी कहा जाता है, गेहूं की टोकरी कहा जाता है। हरियाणा भारत का 1.34% है, लेकिन हरियाणा भारत को कितनी परसेंट गेहूं देता है, 12% गेहूं देता है। तो इसीलिए हरियाणा भारत की जनसंख्या का 2011 के अनुसार 2.09 था, क्षेत्रफल का 1.34 है, फिर भी हरियाणा भारत को कितनी गेहूं दे रहा है, 12% गेहूं दे रहा है। वैसे प्यारे बच्चों गेहूं अगर पूछे ना सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो गेहूं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होती है, प्रति हेक्टेयर गेहूं पूछे ना वो पंजाब में होती है, और SYL का विवाद पूछे, सतलुज यमुना लिंक का विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में, हरियाणा के हिस्से में 51 किलोमीटर निर्माण आया, वो चौधरी भजन लाल जी के टाइम में क्या हो गया था, पूरा हो गया, बाकी 121 किलोमीटर का निर्माण है ना वो पंजाब के हाथे में है। और पंजाब को पता है अगर SYL का पानी हरियाणा को दे दिया तो पंजाब के पानी से कटौती की जाएगी। चौधरी भजन लाल जी ने SYL के मुद्दे पर उस टाइम सबसे ज्यादा मांग उठाई। ये तीनों लाल थे ना, इनके राज में कोई कंपेरिजन नहीं है। चौधरी देवीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे, चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा के निर्माता थे, चौधरी देवीलाल किसानों का मसीहा ताऊ जननायक के नाम से जाने जाते थे, चौधरी भजनलाल दूरदर्शी सीएम थे, हरियाणा की राजनीति के सेंटर पॉइंट कहलाते हैं, बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाए, बिश्नोई समाज ने उनको बिश्नोई रतन की उपाधि दी। तीनों लाल के राजकाज में कोई इतिहासकार कमी नहीं निकाल सकता। हरियाणा की अगर मैं बात करूं पर्सनल, कोई भी कमियां हो अगर हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा को ना आगे ले जाने में इन तीनों लालों की राजनीति का बहुत बड़ा क्या था, योगदान था। चाहे है ना वो कोई भी कास्ट से रहे हो, लेकिन ना उन्होंने सर्वोपरि किसको माना था, हरियाणा को माना, चाहे चौधरी देवीलाल, चाहे चौधरी बंसीलाल, चाहे चौधरी भजनलाल। ठीक है, खाने के संबंध में हरियाणा को रोटी की टोकरी या गेहूं की टोकरी कहा जाता है। खालिस्तान जिले को श्रीपद जनपद, वैसे प्यारे बच्चों श्रीपद जनपद नहीं होता, ये श्रीकंठ जनपद होता है। क्या होता है, श्रीकंठ जनपद होता है। खालिस्तान जिले को श्रीकंठ जनपद कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर पूछे ना कुरुक्षेत्र को ना क्या कहा जाता है, श्रीकंठ जनपद किसने कहा था, बाण भट्ट ने कहा था। किसने कहा था, बाण भट्ट की रचना पूछे तो कौन सी थी, हर्ष चरित्र में उसने ना कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद कहा था। उसने ना थानेसर को भी क्या कहा था, श्रीकंठ जनपद कहा था। और थानेसर को किसी टाइम में किस नाम से जाना जाता था, तो थानेसर को किसी टाइम में प्यारे बच्चों स्थानेश्वर के नाम से थानेसर को हम जानने का क्या किया करते थे, काम किया करते थे। ये आगामी एग्जाम में आपसे पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थानेसर को किस नाम से जाना जाता था, तो थानेसर को ना स्थानेश्वर के नाम से जाना जाता। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा,
और प्यारे बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा कि हर बच्चा है ना कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये सेशन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपके जब तक कमेंट नहीं आएंगे ना तब तक है कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता, उसके बच्चे हैं ना उस टीचर को अच्छा या बुरा बनाते हैं। मैं तो कहता हूँ हर एक बच्चा ना कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कौन से हमें इसमें सुधार करने चाहिए। और प्यारे बच्चों मैं आपसे यही कहूँगा कि देर से बनो लेकिन ज़रूर बनो। वही बात है, दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछने वाली है, अपनों के लिए नहीं अपनों के सपनों के लिए आपको पढ़ना होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।